आई अखियां फेरिया तो बैरी मुल्क तमाम, जब एक नजर हो महर की तो लाखों करे सलाम। हे शिवशंकर, हे भस्म रमाने वाले, महाकाल का विकराल रूप धारण करके दुश्मनों को मारने वाले, अपने भक्तों को उतारने वाले महादेव महेश, हमारी भी नैया पाल लगा दे। वो जरूर लगाएगा माँ। अरे ये सज सजाकर कहाँ जाने का इरादा है? परदेश। सुंदर, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बहुत सोच विचार कर मैंने ये फैसला किया है माँ, और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि मेरी दिलेर माँ इस फैसले पर अपना आशीर्वाद देगी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। पहले ये तो बता कि देश ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो इससे मुंह मोड़कर परदेश जाने की ठानी है? माँ पहले तू मुझे बता कि देश में रहने से किसका भला हुआ है जो मेरा होगा? पगले, देश माँ की गोद के समान है। माँ की गोद में बच्चे को जो सुख शांति मिलती है और कहाँ मिल सकती है इस संसार में? कहीं भी नहीं मिल सकती माँ इस संसार में, तो क्या स्वर्ग में भी नहीं। लेकिन वो गोद सगी माँ की हो तब, वरना आग लगे उस सौतेली माँ को। अब मतलब की बात कही ना, इसीलिए तो मैं परदेश जा रहा हूँ। जिस देश में इंसान को इज्जत न मिले, सुख न मिले, शांति न मिले, उस देश को सौतेली माँ की गोद समझकर छोड़ देना ही अच्छा है। माँ इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया, वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया। मेरे लाल, अगर अपनी भलाई इसी में समझते हो तो जाने से पहले महाकाल से आज्ञा ले लो। माँ विदा होने से पहले मैं एक भेद जानना चाहता हूँ। वो क्या मेरे लाल? इन सात दियों का भेद। इनमें से छह हमेशा बुझे रहते हैं और एक जलता रहता है, ऐसा क्यों? ये तुम्हारे पुरखों के प्राण दिए जो उनके मृत्यु के साथ बुझ गए, और ये जो जल रहा है ये तुम्हारा, इसी के सहारे तो मैं जी रही हूं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस रोज ये बुझ जाएगा उस रोज मैं। ऐसे अपशकन जबान से ना निकालो। ये महाशक्तिमान महाकाल, भुपत कुल का एक अनाथ बालक आपसे विदा मांगने आया है। हे कुल देवता, आपके साक्षी में प्रतिज्ञा लेता हूं कि अपने कार्य में सफल होते ही मां की सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। हमारी सारी पूंजी लूट कर ले जाते जाते गांव में आग लगा गए महाराज। नन्हे नन्हे बच्चे भूख और प्यास से तड़पते और बिलकते भगवान के भरोसे छोड़कर आपके चरणों में आए हैं महाराज। हमारी रक्षा कीजिए महाराज। राम जी, सेनापति जी, सुनते हो ये क्या कह रहे हैं? ये रोना धोना बंद करो और उन लुटेरों का कोई अता पता बताओ ताकि उन्हें ढूंढकर न्याय के अधीन किया जाए। उनका कोई ठिकाना नहीं, पांच भाइयों के नाम से मशहूर है। सेनापति, तुम्हारी सेना कहां मर गई? जब तुम सिर्फ पांच डाकुओं से प्रजा को नहीं बचा सके तो लाखों शत्रुओं से देश को कैसे बचा सकोगे? अन्नदाता, वो तो हम ही उचित पसंद नहीं करते। सात दिन के अंदर अंदर उन डाकुओं को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश किया जाए, और साथ ही हम ये इनाम करते हैं कि जो शख्स उन डाकुओं को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने हाजिर करेगा उसे 10,000 अश्व के इनाम दी जाएंगे। महाराज, मैं सेना लेकर नहीं जाता, चंद सिपाही लेकर चालाक को चालाकी से मारूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। Bye.
राजकुमारी जी, महाराज ने आपको याद किया है। पिताजी ने सुबह सुबह महाराज ने क्यों याद किया है? वही बात होगी। कौन सी? शादी कर लो। मैंने सुना है चंद राजकुमारों की तस्वीरें आई हैं, शायद वो आपको दिखाना चाहते होंगे। अच्छा, चलते मुसाफिरों को लूटने शर्म नहीं आती। मुसाफिरों को नहीं, धन वालों को लूटते हैं। और ये रामगढ़ का नगर सेठ। अच्छा जी, और आप लोग कौन? आपने नहीं पहचाना? अब वो है जिनके सर के लिए शामगढ़ के महाराज ने 10,000 अशरफी इनाम रखी है। खैरियत चाहते हो तो हमारे रास्ते से हट जाओ। अच्छा, कोई और होता तो आपके रास्ते से हट जाता, लेकिन आप तो बहुत बड़े लोग हैं, आपके रास्ते से नहीं हट सकता। क्या देख लो, पकड़ के। इतने अरसे में इन तस्वीरों में से अपना जीवन साथी पसंद कर लो।
वरना महामंत्री के पुत्र शेर सिंह से तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। पिताजी, मेरा फैसला और तुम्हारे पिताजी का एक ही फैसला। माताजी, क्या ये वही डाकू हैं जिनकी वजह से शामगढ़ के तमाम रास्ते बंद हो गए थे? महाराज, इन बदमाशों पर फतह पाने के लिए मुझे क्या क्या दुख उठाने पड़े ये मेरा ईश्वर ही जानता है। हम भी जानते हैं सरकार। तुम क्या जानते हो? यही कि आपकी तलवार के साथ हमारी तलवार भी दुश्मनों को साफ कर रही थी। क्यों भैया? हाँ भैया, बेशक तुमने और सेनापति जी ने शामगढ़ के सर से बहुत बड़ी मुसीबत को दूर कर दिया, इसलिए सेनापति के साथ साथ तुम भी इनाम के हकदार हो। प्रधान जी, 10,000 अशरफियां सेनापति को और 8,000 अशरफियां इन बहादुर सिपाहियों को अभी मिल जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। ठहरो, तुम कौन? ये कौन? मैं एक गरीब राजपूत हूँ जो नौकरी की तलाश में घर से निकला और इन डाकुओं ने तुम्हें रास्ते में लूट लिया, यही कहना चाहते हो ना? अब शामगढ़ के रास्ते से ये खतरा हमेशा के लिए मिट गया है। अच्छा जी, ये सब कौन है? वही डाकू जिनकी वजह से शामगढ़ के तमाम रास्ते बंद थे। अब आप आग बंद कर आ जा सकते हो। कह चुके तुम लोग। इनके बारे में तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, क्यों भैया? हाँ भैया। अब तुम चुप होने का क्या लोगे? ये तो कोई मालदार भिखारी मालूम होता है। जरूर कुछ दाल में काला है। महाराज, ये डाकू जंगल में एक बूढ़े मुसाफिर पर हमला करना चाहते थे। छोड़िए इस किस्से को, गरीब मुसाफिरों पर हमला करने वाले खुद आज तुम्हारे चरणों में पड़े हुए। काम के ना काज के, ये सब मिट गए दुश्मन अनाज के। क्यों भैया? खूब, एक बोलता है दूसरा निभाता है। महाराज, फरियादी को फरियाद करने का मौका दीजिए। हाँ नौजवान, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, उस बुरे मुसाफिर को बचाने के लिए मैंने अपनी तलवार खींची और इन डाकुओं को मैंने मारा है। क्या कहा, तुमने मारा? सेनापति जी तो कहते हैं कि हमने मारा। प्रधान जी, सुना आपने? नौजवान, इन डाकुओं को मारने का तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? प्रधान जी, अपने सेनापति जी से पूछिए इनके नाक और कान कहाँ है। महाराज, इनके नाक और कान दोनों गायब। तुम बता सकते हो कि इनके नाक और कान कहाँ है? हैं? इनके नाक और कान? नाक और कान काटकर हमारे सेनापति जी चील और कौओं को खिला दिए। झूठ। हाँ तो क्या तुम बता सकते हो? हाँ महाराज, इनके नाक और कान इस सेवक के पास है, ये देखिए। जो प्रधान जी, और कोई सबूत चाहिए? बेशक, मुझे अभी शक है। क्यों नौजवान, कोई गवाह भी है कि तुमने इनको मारा है? मैं गवाही दूंगा। तुम कौन? वही बुढ़ा मुसाफिर जिस पर इन डाकुओं ने हमला किया था। मेरे सामने इस नौजवान ने इन सब को मौत के घाट उतारा। सखी, आजकल के मर्द भी झूठ बोलने लगे हैं। राजकुमारी जी, जमाने ही ऐसा आ गया है, झूठे कहेंगे। बहादुर सिंह, जवाब दो, तुमने हमारे सामने झूठ क्यों बोला? महाराज, मैंने झूठ नहीं कहा। ये बूढ़ा और नौजवान हमें झूठा साबित करके इनाम के 10,000 अशरफियां आपस में बांट लेना चाहते हैं। बेशक अन्नदाता, ये बूढ़ा और नौजवान झूठ बोल रहे हैं। वो डाकू जिसने बड़े बड़े बहादुरों के दांत खट्टे कर दिए, क्या ये अकेला इन्हें मार सकता है? और तुम कितने थे? मेरे साथ 10 सिपाही थे महाराज। ठीक है। हाँ बहादुर नौजवान, इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, इसका फैसला यहीं हो सकता है। वीर की तलवार जंगल हो या घर, दोनों जगह बराबर चलती है। आप इन्हें आज्ञा दीजिए 10 के 10 मेरे मुकाबले पर आएं। हाँ ये भी ठीक है। बहादुर सिंह, हम तुम्हारा और तुम्हारे इन सिपाहियों का इम्तिहान लेना चाहते हैं। निकालो तलवार, बढ़ो आगे, इन लाशों को यहां से हटा दिया जाए। हे भगवान,
मेरे लाल का प्राण दिवा आज क्यों थर थर आ रहा है? ओह, एक के मुकाबले में 10? तुम 10 और ये 1, अगर तुम्हारी फतह हुई तो नौजवान मरने ना पाए। हाँ नौजवान, अगर ताकत और तलवार ने तुम्हारा साथ दिया तो हमारा भी कोई सिपाही मरने ना पाए। महाराज, अगर इन्होंने दुश्मनी से काम ना लिया तो? हमें उम्मीद है कि हमारे सेनापति और सिपाही धर्म का दामन ना छोड़ेंगे। हमें तो सिर्फ झूठ और सच देखना है नौजवान। देखते क्या हो मेरे बहादुरों, इज्जत का सवाल है। चलो देखिए सेनापति जी, ना हम वहां लड़े थे और ना अब यहां लड़ेंगे। जितना सुंदर है उतना ही बहुत। नौजवान, धन्य है तुम्हारी वीरता को कि तुमने इतनी तलवारों में भी अपनी तलवार का सिक्का जमा दिया। प्रधान जी, वो इनाम इस बहादुर नौजवान को दिया जाए। आज से हम इसे अपने दरबार में शामिल करते हैं, इसके रहने सहने का खास इंतजाम किया जाए। जो आज्ञा। राजकुमारी जी, आज आप बहुत उदास हैं। कहीं तबीयत तो? चलहर तबीयत खराब है इनके दुश्मनों की। तो फिर क्या बात है, आज ने चुप क्यों लग गई है? ऐसा ही होता है पगली, जब दिल बोलता है तो जबान खामोश हो जाती है। अच्छा तो ये बात है, बड़ा ही भाग्यवान है वो मुसाफिर जिसने हमारे राजकुमारी जी का दिल। अब दिल कहाँ रहा चपला, अब तो दिल की जगह दहकता हुआ अंगारा है जो मेरे तन मन को भूखे डाल रहा है। हाय, दिल आया भी तो किस पर, नजर टकराई भी तो कहां? वो एक आवारा मुसाफिर और आप इतने बड़े राजपाट के राजकुमारी। प्रेम का देवता अंधा है। ये लो, वो आ गए। अरे हाय राम, अब क्या करूं मैं? इसने करने धरने की क्या बात है, कुछ वो चल के आए हैं, कुछ दो चार कदम आप आगे बढ़िए। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम है जनाना बाग है? नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो अजनबी हूँ, क्षमा चाहती हूँ। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। जाओ। हाँ जी, जाता हूँ। पहले ही मुलाकात में गरीब को डांट दिया। हैं? ये यहां क्यों? होशियार हो जाओ शेर सिंह जी,
तुम्हारी बचपन के साथी राजकुमारी इसकी वीरता और सुंदरता पर बुरी तरह मर मिटी है। राजकुमारी कहाँ है? और सब तो चली गई है, सिर्फ दो सहेलियों के साथ बाग में बैठी है। देखो चपला, अगर तुम मेरे कहने पे चली तो माला माल कर दूंगा। आज शाम को तुम मुझसे मिलो। अरे तूने तो बेकार ही मेरे सिर में फूल लगा दी। क्यों? फूल मेरे बालों में नहीं, ये तो बाग में अच्छे मालूम होते हैं। क्या कहा राजकुमारी जी, जरा ऐना तो देखिए, अगर दिल अपने आप पर नहीं आ जाए तो मेरा जिम्मा। लाओ ऐना। नहीं, जिन्हें अपने हुस्न पे भरोसा होता है वो आईना नहीं दूसरों का दिल देखते हैं। आप? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, मगर ये ठंडी सांसें क्यों भरी जा रही हैं? अगर बचपन का साथी फूल के बजाय हाथ पर दहकता हुआ अंगारा रख दे तो क्या मैं सिसकी भी ना भरूं? मुझे जाने दीजिए। अब हम इतने गए गुजरे हैं कि तुमसे दो घड़ी बात भी नहीं कर सकते। बचपन बीत गया मगर तुम्हारी शरारतें ना गईं। बचपन, हाय वो भी क्या दिन थे जब मैं रेत के घरोंदे बनाया करता था और तुम उन्हें लात मार कर तोड़ दिया करते। अब भी तुमने कोई रेत का घरोंदा बनाने की कोशिश की तो मैं उसी तरह ठोकर मार कर तोड़ दूंगी। शोभा, तुम मेरी आशाओं से खेल रही हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे मालूम है, तुम जैसे बुरे आदमी से अच्छे अंजाम की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अच्छा तो देख लूंगा। मैं भी कोई अंधी नहीं हूँ भाई, मैं अपनी होने वाली चूरू की सौगंध खाकर कहता हूँ, अब मैंने तो नहीं सोचा था कि अपना बहादुर सिंह इतना बुजदिल निकलेगा। अरे भाई, सच के आगे झूठ नहीं टिक सकता। अरे इसीलिए तो मैंने लड़ने से इनकार कर दिया, अब वरना तुम तो जानते हो कि मैं अरे काम के न काज के दुश्मन है अनाज के। अरे ये झूठों का सरदार इधर किधर? चलो फिर चल के देखें। देखें, चलो